स्वागत है आपका इनकलाब टीवी में। रोहतास जिले में इफको किसान समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रोहतास जिले के नारायण कृषि विज्ञान संस्थान जमुहार स्थित सभागार भवन में इफको के द्वारा किसान मित्र समूह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य प्रबंधक सोमेश्वर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्र के किसानों को नई तकनीक से खेती के गुण व कीटों से बचाव की जानकारी दी गई। राज्य प्रबंधक ने किसानों को संतुलित उर्वरक देने की सलाह दी तथा उससे पहले मिट्टी की जांच करने के बाद ही उर्वरक देने के लिए कहा। इसके अलावा इफको के नए उत्पादों की भी जानकारी दी गई। रोहतास कैमूर जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर रमेश सिंह ने जैविक उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि लोग अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारी खेतों को शक्ति कम हो रही है, इसलिए मिट्टी परीक्षण के बाद ही संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। ना तो किसी कीड़े को मारे, किसी खरपतवार को मारे या किसी रोग को मारे, तो उसी का नाम दवा होता है। और इनको एक बहुत ही माने अच्छी खबर किसान के लिए कहिए या इस देश के लिए कहिए कि एक ऐसी संस्था इनको आई है, अभी आपके पास एक इफको एमसी करके एक प्रोडक्ट इफको ने लाया है और मिसुबिशी कॉर्पोरेशन जापान की कंपनी है उसके साथ टाइप इफको का हुआ है और इफको दो साल दो नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके और अपनी आमदनी को दूना करेंगे। तो केवल हम जब तक बात हो रही थी सामाजिक कृषि प्रणाली को नहीं अपनाएंगे, हम अभी मछली की बात हो रही थी, दूध की बात हो रही थी,